एवरी वन माई नेम इज सुरभि सिंह है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू अगस्त जो आपका सी जी पी टी ऑफिसर का एग्जाम है जिसमें आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप प्रीवियस ईयर का पेपर मत देखना प्रीवियस यानी जो थर्ड सेप्टेम्बर को प्रीवियस जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया है क्योंकि उसमें तो आपके पॉलिटी और पता नहीं क्या क्या पूछ लिया था पेपर बनाने वाले को ही नहीं याद था कि एक्चुअली उसने आ, मतलब क्या क्या टॉपिक दिए हैं कहाँ से क्वेश्चन करने हैं बट इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि जो नया पेपर सेट करेंगे उसमें ये कोई भी गलती करेंगे तो जो नया पेपर सेट करने वाले हैं उसमें पॉलिटी वगैरह नहीं है पार्ट में जैसे पिछली बार थर्ड सितंबर में चार पांच क्वेश्चन पॉलिटी के थे अमेंडमेंट्स के थे तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इस बार ये गलती नहीं करेंगे प्योरली आपका करंट अफेयर ही पूछा जाएगा तो यहाँ पर मैंने जनवरी टू अगस्त तक का पूरा कंबाइन किया हुआ है और मेरी उम्मीद है कि इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे आप इतना करके जाओ फिर मैं एम लेकर आऊँगी जैसे मैं मैराथन एम जनरल साइंस का लेकर आई थी एंड जिन्होंने सारे एम देखे थे उनको अच्छे से पता होगा कि अगर ट्वेंटी फाइव भी पूछे गए थे जनरल साइंस में तो ट्वेंटी अप्रॉक्सिमेटली नाइनटीन टू ट्वेंटी मेरे ही वीडियो से आए थे तो और इवन जो एम भी कराए थे वो भी डायरेक्ट मेरी वीडियो से आए थे तो इसी आ, ट्रस्ट के साथ आप करंट अफेयर्स देखो करंट अफेयर्स के फिर मैं यहाँ पर मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट लाई हूँ इसके बाद मैं एम पार्ट भी ले आऊँगी जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने करंट अफेयर पर तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं इजिएस्ट टॉपिक ले रही हूँ जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं और जो उनका थीम होता है जैसे फर्स्ट मैं बात करती हूँ प्रवासी भारतीय दिवस पी ठीक है फॉर नॉन और इसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे ये हम बनाते हैं आपका नाइन्थ ऑफ जेन जनवरी को इसकी थीम थी बेसिकली रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल ठीक है तो याद रखना इस चीज़ को नेशनल यूथ डे है जो हम ट्वेल्थ ऑफ जैन को मनाते हैं इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत ये आपका स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया ट्वेल्थ जैन नेशनल यूथ डे ठीक है नेशनल वोटर्स डे 25 फाइव थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर नेशनल वोटर्स डे 25 फिफ्थ जैन थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका जनवरी से हम फेबररी पे आ गए सेकेंड फेब को मनाया जाता है थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन जिसमें जो आपके रामसार कन्वेंशन थे वेटलैंड पर उन्होंने भी साइन किया था और इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट थी वो थी सेकेंड फेब 1971 इसीलिए हम जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो आपके सेकेंड फेब को मनाते हैं रामसार साइट में टोटल सेवेंटी वेटलैंड है ठीक है नेशनल साइंस डे इंपॉर्टेंट है ये 28 फैब को है इस बार की थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग ये मैंने आपका जो इंडिविजुअल मंथ वाइज जो डाला था उसमें भी मैंने ये टॉपिक कवर किए थे बट ठीक है उस टाइम पर मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता था उसको ही कवर किया था उसमें से भी दो से तीन क्वेश्चन मेरे ही उससे फंसे थे अगर आप देखोगे मैं जो अप्रैल मई में जो स्पोर्ट्स का टॉपिक डाला था जहाँ पर वहाँ से आपके क्वेश्चन फंसे थे इस बार के इस वीडियो से अगर आपकी टेन या ट्वेल्व क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं तो मैं ये श्योरिटी देती हूँ सेवन टू एट क्वेश्चन आराम से कि इसी स्लाइड से आ जाएंगे नेक्स्ट बात करती हूं 8 मार्च 8 मार्च है जो आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे का है थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विटी इक्वेलिटी ठीक है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एट मार्च वुमेंस डे नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ट्वेंटी मार्च को मनाया जाता है थीम है बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल बी काइंड इसमें जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जो आपकी 2023 में है इसमें जो इंडिया की रैंकिंग है 126 ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर के एग्ज़ाम में तो आपको आइडिया लग जाना है कि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा वो बहुत टफ नहीं आएगा बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वही आएंगे जैसे आपका यही हो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में जो आपकी इंडिया की रैंकिंग है वन जो थीम है आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसकी जो थीम है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो भी ट्रीटी हुई है जो भी एक्सरसाइजेज हुए हैं करंट अफेयर्स जो अभी आपका जैन टू अगस्त तक का तो क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे इससे बाहर वो क्या पूछ देंगे इसके बाहर ऑप्शन ही नहीं है ना उनके पास पूछने का तो आप इस बार बिल्कुल कॉन्फिडेंस में जाओ आपको अपना सिलेबस करना है वो अपनी गलतियों से सीखेंगे इस बार का पेपर मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि वो बिल्कुल अच्छे से करवाएंगे और बहुत अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज करके कराएंगे वर्ल्ड वाटर डे जो आपका 22 मार्च का है थीम क्या है द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च है थीम है यस वी कैन एंड टीवी ठीक है टीवी जो डिसीज है आपका उसको हम एंड कर सकते हैं बाई द एंड ऑफ टू इंडिया एम टू एंड टी बाई टू नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल है थीम है विकसित भारत अर्थ डे जो है आपका 22 देखो लाइन से होते हैं 21 22 23 24 ठीक है 20... फोर्थ सॉरी हाँ तो अर्थ डे है ये आपका ट्वेंटी टू अप्रैल का है थीम है इन्वेस्ट इन आर प्लेनेट जो उसके बाद पंचायती राज डे है ट्वेंटी फोर्थ अप्रैल है थीम है आपका सस्टेनेबल पंचायत ट्वेंटी थर्ड अप्रैल भी एक होता है डे आपका वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वो आपका थर्ड मई का है थीम है आपका शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स नेक्स्ट है आपका मिस uh, इंडिया जो 2023 है वो आपका नंदनी गुप्ता ने जीता है ये राजस्थान की है मिस इंडिया 2023 जो है राजस्थान की नंदनी गुप्ता ने जीता है पीएम ने इनोग्रेट किया है जो है फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची इंपॉर्टेंट है कहाँ पर फर्स्ट वाटर मेट्रो आपका इनोग्रेट किया है कोची में इनोग्रेट किया गया है किसने इनोग्रेट किया है नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया है जो आपका फिनलैंड है ये आपका नाटो का मेंबर हो गया है ये आपका थर्टी फर्स्ट है और नाटो का फुल फॉर्म जरूर याद रखना नॉट नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये आपका ब्रजल्स की सेरेमनी में जो फिनलैंड है वो उसमें आपका थर्टी फर्स्ट बन गया है अब टोटल जो नेटो में मेंबर्स हैं थर्टी फर्स्ट हैं ऑपरेशन का कावेरी इंपॉर्टेंट है जो सूडान में क्राइसिस थी जो आप सूडान में जो फाइटिंग हो रही थी आर्मी एंड जो रिवल पैरामिलिट्री फोर्स में थी उसमें इंडिया के लोगों को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली एविक्युलेशन एफर्ट टू ब्रिंग बैक सिटीजन स्टैंडर्ड कि इसके लिए हमने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया था ऑपरेशन कावेरी सूडान क्राइसिस से रिलेटेड है जिसमें इंडिया के लोगों को आपको वापस बुलाने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी नाम दिया था इसका आशा भोसले को अवार्ड मिला है कौन सा लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सी आ, मतलब आप देखोगे जो पेपर का पैटर्न आपको आइडिया लग गया होगा कि जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है करंट अफेयर के कि किसको क्या अवार्ड मिला पद्म भूषण किसको मिला स्पोर्ट्स में किसने जीता तो इतना ही काफ़ी है मोर देन इनफ है आपके लिए ठीक है तो ऐसी ही चीज़ों को आप सबसे पहले मतलब आ, कवर करने की कोशिश करना अब तो एग्ज़ाम की डेट भी अभी पता नहीं है कि कब होगी कब नहीं होगी तो आपके पास प्रॉपर टाइम है उस टाइम तो आपने फॉर्म भरा एग्ज़ाम की डेट तुरंत आ गई तो आपको टाइम नहीं मिला बट अभी जो टाइम मिला है इसको आप यूटिलाइज़ करो तो डेफ़िनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा आई मद्रास ने एक इंटरनेशनल कैंपस सेट किया है तंजानिया में तरंग शक्ति तरंग शक्ति जो ये भी क्वेश्चन आपका थर्ड सेप्टेम्बर में आया हुआ था तरंग शक्ति पूछा था किससे रिलेटेड है तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली इंडियन एयर फोर्स के थ्रू आपका एक स्टेप लिया गया है टुवर्ड्स द फॉस्टरिंग कारपोरेशन एंड इंटरपोरेबिलिटी अमंग द नेशंस तो क्वेश्चन आ गया था तरंग शक्ति किससे रिलेटेड है इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स मिलिट्री तो आप टिक करोगे तरंग शक्ति जो रिलेटेड है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर तो मध्य प्रदेश में इस टाइम सबसे ज़्यादा टाइगर हैं 526 ट्वेंटी कर्नाटका में है 524 उत्तराखंड में है 442 इंटरनेशनल टाइगर जे डे जो हम मनाते हैं वो हम मनाते हैं ट्वेंटी जुलाई को मनाते हैं और इस टाइम एक ट्रिटी भी हुई है आपका साउथ अफ्रीका से कि 100 टाइगर्स अप्रॉक्सीमेटली कुछ इंडिया में लाए जाएंगे अभी कुछ 20 लाए थे, गए थे और उसमें से नौ की डेथ हो गई थी अवॉर्ड की बात करते हैं तो आपका पद्म अवार्ड 2023 की बात करते हैं तो पद्म विभूषण जो अवार्ड है छः अवार्ड पद्म विभूषण दिए गए हैं आपके नौ पद्म भूषण दिए गए हैं और 91 वन पद्मश्री दिए गए हैं तो इंपॉर्टेंट क्या है आपका पद्म विभूषण और पद्म भूषण ठीक है इसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कौन से आर्किटेक्चर को या कौन से आर्ट को या कौन से फील्ड को पद्म विभूषण में नहीं शामिल किया जाता है पद्म भूषण में शामिल किया जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पद्म विभूषण के जो छः अवार्ड हैं वो मैं यहाँ पर दिखा दी हूँ आपको बीवी दोषी को मिला है आपका आर्किटेक्चर के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला है आर्ट के लिए और आपका एस कृष्णा है जिनको आपका पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है तो ये सारी चीज़ें देख लेना श्रीनिवास वर्धा ने साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला है मुलायम सिंह यादव हैं ये आपके पॉलिटिशियन है तो ये आपका पब्लिक अफेयर यानी उत्तर प्रदेश के हैं इनको मिला है तो ये पद्म भूषण जो छः अवार्ड हैं वो मैंने दिखा दिए हैं आपका काम है कि पद्म भूषण जो नाइन अवार्ड्स हैं इन किसको मिले हैं ये जरूर से आप देख लेना ठीक है ये आपका होमवर्क रहेगा इंडिया ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस फॉर कंजर्विंग सेवन बिग कैट्स ये इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपके मंथ वाइज करंट अफेयर में भी कराया था सेवन बिग कैट का मतलब आप कैट से मत समझना सेवन बिग कैट्स में आते हैं टाइगर लॉय लेपर्ड स्नो लेपर्ड प्योमा जगोर एंड चीता ठीक है जगवार एंड चीता तो इनके लिए इन्होंने बेसिकली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किया था कि इनको हम कंजर्व कर सकें सेवन बिग जो आपके एनिमल्स हैं आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको यानी इनको बैक बिग कैट कह रहे हैं इनको हम कंजर्व कर सकें बेंगलुरु बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू तो ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम जिसको हम डब्ल्यू डब्ल्यू सी डब्ल्यू सी दबुड़ु सी एफ़ भी कहते हैं बेंगलुरु इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटी कल्चरल फ़ोरम याद रखना डब्ल्यू सी दबुड़ु सी एफ़ का फुल फॉर्म वर्ल्ड सिटी कल्चरल कल्चर फोरम इंडियन मैरि नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मेरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि आपका लोथल में बनाया जा रहा है याद रखना इस चीज़ को नेशनल मेरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि आपका लोथल गुजरात में इसको, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है नेक्स्ट बात करते हैं ईरान जो था ये आपका नाइन्थ फुल मेंबर बन गया है मतलब टोटल एट्थ मेंबर थे आपके एस को एस सी ओ इज़ सेंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका ईरान जो है वो आपका नाइन्थ मेंबर बना हुआ है जो ये एक समिट हो रहा था ये आपको इंडिया ने होस्ट किया था इसमें वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आपका ईरान आपका जो था वो आपका फुल मेंबर बन गया एस द करंट चेयर ऑफ सीओ इंडिया होस्टेड समिट फॉर 2023 वर्चुअल मीटिंग हुई थी और इसका थीम था सिक्योर एससी नेक्स्ट बात करते हैं पीएम मोदी जब गए थे फ्रांस में तो वहां पे उन्होंने बेस्टर डे परेड को अटेंड किया था और जो चीफ गेस्ट थे नरेंद्र मोदी उनको ग्रैंड ऑन ऑफ ऑनर का भी अवार्ड दिया गया था किसके थ्रू दिया गया था एमिनल मोदी है। गए हैं फ्रांस डे पर, उन्हों पर उन्होंने एक सैंडलवुड सितार भी सितार जो था वो भी आपको गिफ्ट किया था फ्रांस को ठीक है जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता था पीएम मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया उन्होंने कौन सी परेड अटेंड की नेक्स्ट बात करते हैं पीएम ने जो इनोग्रेट किया है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर जो कि है आंध्र प्रदेश में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर को इन्होंने इनोग्रेट किया है जो कि आंध्र प्रदेश में है नेक्स्ट बात करते हैं पीएम जो हैं इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एनीमी एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इसका जो मिशन का मेन एम है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसको एलिमिनेट करेंगे 2047 में तक में एलिमिनेट कर देंगे ये मध्य प्रदेश में ये बेसिकली ये मिशन को लॉन्च किया गया था नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन आसाम में एक जो एनजीओ है जिसको चिल्ड्रेंस uh, कैंपेन अवार्ड 2023 मिला है जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उस एनजीओ का नाम क्या है एनजीओ ओ तपोवन याद रखना नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका सी आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन जो बने हैं रवनीत कौर बने हैं उसके बाद हम बात करते हैं क्वाड समिट 2024 को तो इसको होस्ट किया था इंडिया ने जो 2023 का क्वाड समिट था वो आपका कैंसिल हो गया था उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोर्टी थर्ड जो आपका एस एफ समिट था इसको इंडोनेशिया ने होस्ट किया था और ये आपका सेवन सेप्टेम्बर को वहाँ पर हुआ था फोर्टी एशियन समिट जो है नेक्स्ट है जो आपका न्यू पार्लियामेंट बना हुआ है उसको किसने डिज़ाइन किया है बिमल पटेल ने उसको डिज़ाइन किया है जो न्यू पार्लियामेंट बना है उसको आपका बिमल पटेल ने डिज़ाइन किया है संगोल जो आपका न्यू पार्लियामेंट जो बना है उसमें संगोल को आपका इंस्टॉल किया गया है जो संगोल है वो आपका चोला एम्पायर से एसोशिएट होता है जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये आपका जो पार्ट है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है और इसको बेसिकली जो किंग होते थे उनको इस तरीके से जो संग है उस एक तरीके से दिया जाता था तो इंस्टॉलेशन ऑफ हिस्टोरिक गोल्डन कैपिटल्स कॉल्ड संघोई नियर द स्पीकर सीट उसको रखा गया है और ये आपका चोला एम्पायर से रिलेटेड है तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो संगोल है वो आपका न्यू पार्लियामेंट में कहाँ रखा गया है और वो किस एम्पायर से रिलेटेड है नेक्स्ट बात करते हैं उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने नेशनल ने ने वाइड रेफरेंडम जीता था रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था तो ये आपका इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का जो आपका मल्टी मोड लॉजिस्टिक्स पार्क बना है वो आपका जोगी होपा आसाम में बना है याद रखना आसाम में लॉजिस्टिक आपका इंटरनेशनल मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क बना हुआ है फ़र्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क उसके बाद बात करते हैं जो आपका हैनले डार्क स्काई रिज़र्व है ये आपका फर्स्ट डार्क नाइट रिजर्व नाइट स्काई रिज़र्व है वो आपका लद्दाख में बनाया गया एस्ट्रोनॉमी पे बेसिकली रिसर्च करने के लिए आपका लद्दाख में आपका एच डी एस आर हैनले डार्क स्काई रिज़र्व बनाया गया है फिर आता है रिपब्लिक डे 2023 जिसमें आपके चीफ गेस्ट रहे हैं इजप्टन के जो अल एबल फैतः एसीसी जो हैं ये आपके एज़ आ चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे 2023 में उड़ीसा ने आपका वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है किसके लिए जागा मिशन के लिए जागा मिशन है कि आप जो आ, स्लम डवेलर्स हैं इनकी लाइफ को एम्पावर करोगे तो उड़ीसा ने ये जीता है इम्पॉटेंट है ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जागा मिशन तो क्वेश्चन आ सकता है जागा मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है तो एम्पावरिंग द लाइफ्स ऑफ स्लम डवेलर्स निशार मिशन की बात करते हैं तो निशार मिशन बेसिकली निशार में जो एन है एन आपका रिप्रेजेंट करता है नासा को लेकर और आई आपका रिप्रेजेंट करता है इसरो को लेकर तो ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है इसका ये फुल फॉर्म होता है निशार का इम्पोर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखना जो फुल फॉर्म वाली चीज़ें होती हैं ये अपने आप ही अट्रैक्ट करती हैं आपको एम सी में इन चीज़ों को पुट करने के लिए क्योंकि आप इसको टिक नहीं कर सकते ऑप्शन इसके मतलब अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसको गैस कर पाओगे तो नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार है ये आपका एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जो कि आपका 2024 में लॉन्च होने वाला है थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में इसको आ, वो किया गया था जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है इसने टॉप किया था और इसने बेसिकली ट्वेंटी गोल्ड सेवनटीन सिल्वर और आपके ट्वेंटी सिक्स मेडल जीते थे फिर हम बात करते हैं आई की तो ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में होंगी ही कि जो आपका सी है चेन्नई सुपर किंग ये आपका फिफ्थ टाइम जीता है अभी मुंबई इंडियंस के बराबर हो गया है मुंबई इंडियंस भी फाइव टाइम जीत चुका है और रनर अप रहा था यहाँ पर गुजरात टाइटन्स फिर आता है आपका डायमंड लीग नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा ने अब आप, फिर आपका जेवलिन थ्रोवर में आपका गोल्ड मेडल लेकर आए हैं तो ये नाम तो फेमस है नीरज चोपड़ा हो गए अभी बैडमिंटन के लिए भी आएंगे तो ये डायमंड लीग के लिए आप याद रखना नीरज चोपड़ा 2023 थाउजेंड वुमेंस प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस विनर रही थी और रनर अप रही थी दिल्ली संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल में खेली जाती है इसमें कर्नाटका जीती है और आपका मेघालय रनर अप टीम रही है 2023 आईसीसी वर्ल्ड जो आपका टी वर्ल्ड कप हुआ था जिसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने विनर रही है ऑस्ट्रेलिया और रनर अप रही है खुद साउथ अफ्रीका जिन्होंने होस्ट किया था रणजी ट्रॉफ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका विनर रही थी आपका सौराष्ट्र रनर अप रहे थे आपके बंगाल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इसको आ, होस्ट किया था भुवनेश्वर ने और इसमें जो विनर रही थी वो जर्मनी रही थी और जहा रनरअप रही थी बेल्जियम रही थी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया था भुवनेश्वर एंड राउकेरा आपका थर्टीन जैन टू ट्वेंटी नाइन जैन तक आपका होस्ट हुआ था आई सी सी टू ट्वेंटी अंडर नाइनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने मोस्ट इंपॉर्टेंट विनर रही है हमारी इंडिया आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप था और आपका रनरअप रही थी इंग्लैंड नेक्स्ट बात करते हैं आपका गंगा विलास क्रूज़ है ये आपका वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है जो वाराणसी से स्टार्ट हुई थी 51 डेज़ में ये आपका पहुंचा था आसाम के दिब्रू डिब्रुग्रह में पहुंचा था और ये बांग्लादेश से होते हुए गया था उसके अलावा कौन कौन सी जगह को फॉलो किया था यूपी बिहार झारखंड कोलकाता ढाका एंड आसाम तो बांग्लादेश से क्रॉस होते हुए वाराणसी से चलकर कर आसाम पहुँचा था रंग गंगा विलास क्रूज़ ठीक है आपका नेशनल वाटर जो आपका डब्ल्यू एन डब्ल्यू वन एन डब्ल्यू टू से पास होते हुए ये गया था इंडिया साइंस साइन पैक विद साउथ अफ्रीका जो मैं आपको बता रही थी हंड्रेड चीता का कांट्रैक्ट आपका साइन किया गया था जो आपका आगे आने वाले दस सालों में ठीक है तो साउथ अफ्रीका है वो आपका सौ चीता इंडिया को भेजेगी बस इंडिया है कि उसको मैनेज कर पाती है कि नहीं जैसे अभी बीस आए थे मध्य प्रदेश में उसमें से नौ की जान चली गई है नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म देखो ये क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर्स डायनेमिक होते रहते हैं साल भर बाद कोई और आंसर हो जाएगा कभी इसका आंसर गोरखपुर था मतलब जो आपका लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ पाया जाता है अभी देखा जाए तो श्री सिद्धरोधा स्वामी जी आपका हुबई है जो कर्नाटका का स्टेशन है ठीक है वो आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म चल रहा है तो ये चीज़ें आप याद रखना राइट टू हेल्थ जो एक राजस्थान है इन्होंने पहला स्टेट है जिन्होंने आपका राइट टू हेल्थ पे आपका एक नया लॉ एक नया लेजिस्ट्रेट बनाया है हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू लेजिस्ट द राइट टू हेल्थ सेम इसी तरीके से ऑपरेशन दोस्त की बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो आपकी टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वैक आया था उसकी हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त टू में लॉन्च किया गया था पीएम मोदी हैं इन्होंने एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको लॉन्च की थी कर्नाटका के तुमकुरु में तमिल राइटर इम्पॉर्टेंट है सरस्वती समन और व्यास समन सरस्वती समन जो है तमिल राइटर को दिया गया था बुक क्या है सूर्यवंशम के लिए याद रखना तमिल राइटर जो है आपके सेवा संकारी को मिला था आपका सरस्वती समन जो कि इन्होंने बुक लिखी है सूर्यवंशम हिंदी राइटर्स की बात करते हैं तो इनको व्यास समन मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इन्होंने बुक लिखी थी पागल ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं ध्यान दे लेना उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करते हैं नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं अगर आपका एक्सरसाइज दटलिक की बात करते हैं तो ये आपका इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है और कहाँ पर हुआ था लोकेशन है उत्तराखंड जो चीज़ें इंडिया में जो भी एक्सरसाइजेस हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में हुई है इंडिया और उजेकिस्तान के आर्मी के बीच में हुई है एक्सरसाइज दस्तलेक टू नेक्स्ट बात करते हैं अल मोहम्मद अल हिंदी जो 2023 की नवल एक्सरसाइज है इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है और जो एक्सरसाइज समुद्र है वो आपका समुद्र शक्ति है वो आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है तो समुद्र शक्ति इसके पहले जो मैंने आपको बताया तो नाम इम्पॉर्टेंट है किसके किस, के, किस के बीच में हुई है ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं नेक्स्ट बात करते हैं थर्टी फिफ्थ एडिशन ऑफ जो इंडो थाई कोऑर्डिनेशन पेट्रोल जिसको कॉरपोरेट भी कहते हैं ये आपका अंडमान सी में हुआ है इंडिया में जो आपके मालदीव्स से इन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दिया है आपका उत्तराखंड में हुई है इलेवन टू ट्वेंटी फोर जून के बीच में इंडिया मालदीव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हुई है चौबटिया उत्तराखंड मालाबार एक्सरसाइज है होस्ट किया था तो ऑस्ट्रेलिया ने आपकी क्वाड कंट्री पार्टिसिपेट की थी क्वाड कंट्री कौन कौन सी हैं इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया अगस्त 2023 में हुआ है मालाबार एक्सरसाइज फिर हम बात करते हैं एफ इंडेक्स एक्सरसाइज़ की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और ट्वेंटी अफ्रीकन नेशंस ने इसको बैठ के में साथ में कंडक्ट किया था लोकेशन है इसकी पुणे नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज बोल कुरुक्षेत्रा बोल बोल कुरुक्षेत्रा जो एक्सरसाइज है ये आपकी इंडिया और सिंगापुर के थ्रू कंडक्ट की गई थी लोकेशन थी आपकी जोधपुर राजस्थान की कोंकण 2023 कंडक्टेड बाय इंडिया एंड यूके लोकेशन थी आपकी कोंकण कोस्टल अरेबियन शी की एक्सरसाइज साइक्लोन वन जो आपकी इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई थी फर्स्ट टाइम हुई है जिसकी लोकेशन रही है जैसलमेर राजस्थान की इंडिया के जो आपके रिकी केज हैं इनको थर्ड ग्रैनी अवार्ड मिला है फॉर हिज एल्बम डिवाइन टाइट्स फिर हम कुछ देख लेते हैं ये जो इंपॉर्टेंट है थर्ड सेप्टेम्बर का जो पेपर आया था उसमें देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था क्वेश्चन एग्जैक्ट बच्चों ने बता नहीं पाया आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्वेश्चन क्या पूछा था नाटू नाटू जो आपका इंडिया का जो फिल्म सॉन्ग है इसने ऑस्कर अवार्ड जीता था मूवी थी आर 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 कम्पोज किया था एम एम करवानी ने और आपका लिरिक्स थे चंद्र बोस के ठीक है और ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड आपका गोल्डन ग्लोब अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी भी थ्री भी जीता था और ऑस्कर अवार्ड भी जीता है इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स ये भी आपकी ऑस्कर ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जो आपका तमिलनाडु के एक एलिफेंट कैंप है उसमें आपका ये शूट की गई थी नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स जो जीती है वो आपकी आरबोनिंग गैब्रियल ने जीती हैं जो कि यूएस की है फिर हम बात करते हैं फिट्सगर आर्किटेक्चर प्राइज अवार्ड जो कि आर्किटेक्चर का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है जो कि आपका डेविड एलन चिफरफील्ड ने जीता है अगर हम एबल प्राइज़ 2023 की बात करते हैं जो मैथमेटिक्स के लिए जिया दिया जाता है तो वो आपके लुइस कैफरल ने जी, जीता है जो कि यूएसए के हैं रेजीना डायलॉग इज़ द इंडियाज फ्लस्ट फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस जो कि आपकी जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटी के लिए होती है आपका डेली में हुआ है इसका थीम था प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी ट्रब टर्बुरें, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट इसकी चीफ गेस्ट रही थी आपकी जॉर्जिया मेलोनी जो कि आपकी इंडिया की सॉरी इटली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही हैं रजियाना डायलॉग जो आपका फ्लैगशिप बिटवीन द हुआ था डेली में हुआ है अब हम बात करते हैं कॉप ट्वेंटी एट सबमिट जो आपका क्लाइमेट चेंज के लिए होता रहता है इसे कॉप वन टू से शुरू हुआ था आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये आपका हुआ था यूएई में जी ट्वेंटी सबमिट जो आपको अभी देख रहे हो दिल्ली में हुआ था नाइन टू इलेवन सितंबर में ठीक है ये आपका इंडिया ने होस्ट किया था डाइकिन यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी फर्स्ट फॉरन यूनिवर्सिटी है जिसने अपना ब्रांच खोला है आपका गुजरात में ठीक है जिफ्ट सिटी में ठीक है ऑस्ट्रेलिया की यह डाइकिन यूनिवर्सिटी है जिसने अपना फर्स्ट ब्रांच इंडिया में खोला है नेक्स्ट बात करते हैं सागर समर्पक की तो ये आपकी एक इंडिजीनियस यानी इंडिया में बनाई हुई एक आपकी सेटेलाइट है जिसका नाम फुल फॉर्म याद रख लेना डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम डी जी एन एस एस है और ये आपका मेरी टाइम नेविगेशन के लिए बनाई गई है सागर समर्पक ठीक है इसके बाद करते हैं समर्थ स्कीम समर्थ स्कीम का भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सर्कट से, टेक्सटाइल सेक्टर और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको इस स्कीम को निकाला हुआ है नाम याद रख लेना स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर समर्थ उसके बाद हम बात करते हैं जैसा आपने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया था वो आपका बनाया था चैट जी उसी तरीके से गूगल ने भी बनाया है बार चैट नाम से तो अल्फ़ाबेट द पा पेरेंट कंपनी ऑफ द गूगल हैज़ इंट्रोड्यूस द बार चैट बोर्ड एंड एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोर्ड तो याद रखना चैट जी पी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और गूगल ने आपका बनाया है आपका बार चैट बोर्ड तमिलनाडु का अच्छा जी आई टैग का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जी आई बहुत सारे जी आई टैग अभी आपको सिक्स टू एट मंथ में जो मिले हैं जैन टू अगस्त तक में जी आई टैग का भी एक क्वेश्चन आया था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था दो वो कि किस चीज़ पर जी आई टैग नहीं मिलता है जो आपका थर्ड सेप्टेम्बर में आया था फिलहाल आप देखो तमिलनाडु का जो अथुर बेटल लीव्स है इसको आपका जॉग्रेफल इंड यानी जी आई टैग मिला है जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके अलावा जो आपकी इंडिया मंगोलिया इनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिनका नाम है नोमोडैक इलेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सेवनटीन टू थर्टी फर्स्ट जुलाई के बीच में हुई है जापान इंडिया मेरी एक्सरसाइज जो हुई है इसको हम जी मैक्स भी कहते हैं विशाखापट्टनम में हुई है फिफ्थ टू टेंथ जुलाई इंपॉर्टेंट है आपकी जी मैक्स ट्वेंटी थ्री वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है आपका थर्ड मई को मनाया गया था हाँ तो कुछ कुछ टॉपिक जो एक आधी ही बचे हैं उनको भी मैं लास्ट तक में कवर कराऊंगी। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना स्टूडेंट यहाँ तक आए हो थोड़ा और आगे बढ़ो थोड़ा और आगे बढ़ो और धीरे धीरे कवर कर लो नहीं तो तीन दिन में कवर करो बट करंट अफेयर के ये सारे टॉपिक ज़रूर कवर करके जाना नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोन मोचा साइक्लोन मोचा है ये आपका बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था इसका जो नाम है मोचा ये आपका येमिन ने दिया था और जो आपका साइक्लोन मोचा है इसने जो इफेक्ट किया है वो आपका बांग्लादेश और म्यांमार के पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट किया था और जो इंडिया है उसने जो ये आपका साइक्लोन था इसके इफेक्ट को बेसिकली हेल्प करने के लिए म्यांमार में जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ऑपरेशन करुणा सो इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा टू एसिस साइक्लोन हिट म्यांमार साइक्लोन मोचा जो है इफेक्ट किया है बांग्लादेश और म्यांमार को तो so, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो साइक्लोन मोचा है इसका नाम किसने दिया था तो येमिन ने दिया था और जो ऑपरेशन करुणा है वो किस से रिलेटेड है तो ऑपरेशन करुणा करुणा नाम ऐसा आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है बट आप आंसर याद रखना साइक्लोन मोचा एन होगा और जो ये कहां पर लॉन्च किया गया है ये आपका म्यांमार में लॉन्च किया है किसने लॉन्च किया है इंडिया ने लॉन्च किया है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं साइक्लोन आपका बिप्रजॉय बिप्रजॉय जो है बेसिकली ये आपका अरेबियन सी uh, से ओरिजिनेट हुआ था आपका ये भी पूछ सकता है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ तो ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है जो आपका बिप्रजॉय है वो आपका अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था और बिप्रजॉय है ये आपका नाम बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था बिकॉज जो बंगाली में बिप्रजॉय का मतलब डिजास्टर होता है ठीक है और ये आपका गुजरात और राजस्थान को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था साइक्लोन बिप्रजॉय और मोचा दोनों ही आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जो आपका केरला है ये आपका फर्स्ट स्टेट हुआ है जिसने आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपका फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को यूज़ किया है मतलब इसने अपना ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया है सो केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम बोलेंगे केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क तो याद रखना इस चीज़ को नेक्स्ट आता है आपका जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये एक इवेल्यूशन होता है जो कि एफ के थ्रू पब्लिश होता है एफ का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो इसमें केरला को आपका सबसे टॉप लिस्ट में नाम दिया गया है केरला टॉप द लिस्ट अमंग द लार्जर स्टेट फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स था तो याद रखना कि फिफ्थ स्टेट फूड इंडेक्स 2023 में केरला है जिसने टॉप किया है ये आपका जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है इनका ये आपका एनुअली इवोल्यूशन होता है जिसमें केरला ने टॉप किया है नेक्स्ट आता है हम कुछ नाम याद कर लेते हैं जो अभी आपके करंट अफेयर के टॉपिक हैं एक आधी आपके नाम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो अगर आपने पेपर देखा होगा थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर का तो आपको आइडिया लग गया होगा वो करंट अफेयर में क्या पूछा जा रहा है ये वीडियो मैंने बनाई इसी तरीके से है कि आपके करंट अफेयर जो उस एग्ज़ाम को में जो टॉपिक फेमस थे उसको कवर किया जाए तो सेंट्रल विजनेस विजिलेंस कमिश्नर जो हैं ये आपके अपॉइंट हुए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कर्नाटका के जो डी थे जिसको प्रवीण सूद हैं जो वो आपके सी के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं प्रवीण सूद सीबीआई डायरेक्टर फिर आता है आपका जनार्दन प्रसाद हैं जो ये आपका जीएसआई के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं रवनीत कौर जो हैं ये आपका चेयरपर्सन है आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के ठीक है और जो आपकी बी वी सुब्रमण्यम है ये आपके अपॉइंट हुए हैं नीति आयोग के नए सीईओ तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है आपके जून जुलाई अगस्त के तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जैसे बी वी सुब्रमण्यम हैं सी हैं नए आपके नीति आयोग के तो आप ये सारे नाम याद रख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आता है जो मध्य प्रदेश का राइजन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है फेमस सांची इसको बेसिकली हम एक फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया के नाम से फे, फेमस कर रहे हैं फर्स्ट सोलर सिटी याद रखना इज पॉइज टू मेक हिस्ट्री फॉर बिकमिंग द फर्स्ट सोलर सिटी कौन साची सांची कहाँ है आपका राइजन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में ठीक है नेक्स्ट है आपका जो नरेंद्र मोदी हैं इनको पपुआ न्यू जूनिया और फिजी का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया ठीक है पपुआ न्यू गुनिया और आपका फिजी का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो आपका नरेंद्र मोदी को दिया गया है जब उन्होंने विजिट किया है थर्ड फोरम ऑन इंडियन पैसिफिक आइलैंड इसको हम बेसिकली बोलते हैं एफ़ फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एफ़ का मतलब है फोरम ऑन इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन जो ये आपका थर्ड एफ सबमिट हुआ था कहाँ हुआ था पपा पपुआ न्यू गुनिया में ठीक है तो याद रखना है इसका थर्ड फोरम ऑन इंडियन पैसिफिक आइलैंड नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो ट्विटर के नए सी आए हैं दैट इज़ लिंडा याक्रेनो नाम याद रख लेना इंपॉर्टेंट है जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपकी वन मार्क्स स्कोर करेंगे यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर भी नए सी जो अपॉइंट हुए हैं वो आपके इंडियन ओरिजिन के हैं जिनका नाम है नील मोहन उसके बाद हम बात करते हैं डायलमा वना की जो कि आपके फॉर्मल ब्राजीलियन प्रेसिडेंट थे आज की डेट में वो प्रेसिडेंट ऑफ बैंक के बेसिकली न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैज बिन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जो आपका नेक्स्ट आता है केरला के बारे में तो केरला देखो आपका बहुत जगह फेमस हो रखा है जो आपका ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो बनाया था मतलब अपना ही जो उन्होंने किया वो केरला ने किया है आपका एफ एस के थ्रू जो अवार्ड मिला था उसमें भी केरला टॉप किया था अभी बात करें कि फुल्ली ई गवर्न स्टेट कौन सा है तो वो आपका केरला ने ये माइल अचीव किया है उसके अलावा एक डिजिटल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई है फर्स्ट एवर डिजिटल यूनिवर्सिटी जो कि आपकी त्रिवेंद्रपुरम में इस्टेब्लिश की गई है तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो जनपद अवार्ड है वो आपका दामोदर मोजा को दिया गया है इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर अवार्ड है फिफ्टी सेवेंथ अवार्ड जो है वो आपका दामोदर मौजा को दिया गया है ठीक है नेक्स्ट आता है आपका बल्जेरियन राइटर जो हैं आपके जॉर्जी गोसपिडनाव जो 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 आपकी हैं ये आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है इनको इन्होंने बुक लिखी थी टाइम सेल्टर लास्ट ईयर जो मिला था 2022 में तो ये आपका गीतांजलि श्री को मिला था टॉम ऑफ सेंट जो उन्होंने लिखी थी इस बार टू में बुक का नाम है टाइम सेल्टर मिला है किसको आपका जॉर्जी गोसपेडनाव को याद रखना नेक्स्ट आता है आपका द्रौपदी मुर्मू को अवार्ड मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सूरी नेम का प्रेसिडेंट जो आपकी द्रौपदी मुर्दू हैं क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा सूरी नेम जो अवार्ड है वो किसको मिला है महेंद्र मां, सिंह मोदी मतलब नरेंद्र सिंह मोदी महेंद्र सिंह नहीं नरेंद्र सिंह मोदी द्रौपदी मुर्मू दो तीन ऑप्शन और दे दी जाएंगे तो नॉर्मली एक्चुअली सारे अवार्ड आपके नरेंद्र मोदी ही ले जाते हैं तो आप कन्फ्यूज मत होना द्रौपदी मुर्मू को भी अवार्ड मिला है सूरी नेम का देखो हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल के जो पीएम थे पुष्पा कमाल ये आपका इंडिया में विज़िट किए थे इंदौर वगैरह पे भी विजिट किए थे तो नेपाल के बारे में नेपाल के जो पीएम है इनके बारे में पूछा जा सकता है बिकॉज अभी रिसेंटली उन्होंने इंडिया को विजिट किया है टाइटन की बात करते हैं तो आपका डीप सी जो आपका समबल था जो टाइटन ये बेसिकली टाइटेनिक जो आप मूवी बनी है उसमें जो भी आपका उसके उसकी स्टडी करने के लिए बेसिकली ये टाइटन जा रहा था और क्या हुआ जो एटलांटिक ओशन में जब ये उसको स्टडी करने के लिए जा रहा था तो इसने ये भी आपका वहाँ पर डेवास्टिंग हो गई ये भी आपका ख़त्म हो गया तो याद रखना नाम इम्पॉर्टेंट है टाइटन ये आपका सबमर्सिबल है ना कि सबमरीन सबमर्सिबल का मतलब है कि एक शिप होगी शिप में आपका सबमर्सिबल होगा और ओशियन की बीच में जाकर आपके उसको सबमर्सल को छोड़ दिया जाता है फिर ये अपना जाकर स्टडी करता है और वापस फिर इसी शिप में मर्ज होता है और फिर चला आता है जबकि सबमरीन क्या होता है सबमरीन अपना इंडिपेंडेंट होता है वो अपने आप ही जाता है Ocean के अंदर और आता है। डिवास्टेटिंग एंड ड्यूरिंग द इट्स मिशन टू एक्सप्लोर द सेंचुरी ओल्ड रैक ऑफ द टाइटेनिकटलांटिक ओशियन तो ओशियन का नाम भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट है हमारा जो ओमान है उसने हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि फ़र्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा जो ओमान है इसने एक हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि जो अपने गवर्नमेंट को उन्होंने प्रमोट किया है वो योगा के थ्रू प्रमोट किया है नेक्स्ट आता है हमारा जो एक रीजनल ऑफिस बना है वो न्यू दिल्ली में बना है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो रीजनल ऑफिस है वो आपका न्यू दिल्ली में बना है ध्यान रखना अब उसके बाद फिर हम आते हैं जो केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं नितिन अग्रवाल इनको हम बेसिकली अपॉइंट किए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं किसके बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केरला कैडर के आईपीएस पी ये नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो मनाते हैं हम 29 जून को मनाते हैं इसकी जो थीम थी इस बार की ये था अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल इसका डेवलपमेंट गोल था किसके थ्रू हम मनाते हैं मतलब क्यों हम मनाते हैं 29 जून को बिकॉज जो आपका इंडियन स्टैटिस्टिक के फादर कहे जाते हैं प्रशांत चंद्रा का जन्मदिन पड़ता है उस दिन इसलिए हम इसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कहते हैं ट्वेंटी जून याद रखना प्री नरेंद्र मोदी हैं इनको इजिप्ट में एक हाईएस्ट अवार्ड मिला था ऑनरशिप मिली थी दैट इज ऑर्डर ऑफ नाइले तो ये इम्पोर्टेंट है पूछा जा सकता है जो आपके प्रेसिडेंट को जो भी अवार्ड्स मिले हैं और जो आपके पीएम हैं इनको जो अवार्ड्स मिले हैं इनके बारे में आप देखकर जरूर जाना आईपीएस ऑफिसर हैं जो रवि सिन्हा ये आपके रॉ के न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं इंटरनेशनल योगा डे आपका जो ट्वेंटी जून को मनाया जाता है इस बार की थीम थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबम तो ये मैंने आपका जो इंडिविजुअल मंथ वाइज बनाया था उसमें भी ये सारी चीज़ें डाली थी मैं ये अब एक मैराथन क्लास लेकर आ रही हूँ करंट अफेयर्स की इसमें सारी चीज़ें इंडिकेटर से आपको रिवीजन करने में एक बार में बहुत आसानी होगी ये क्वेश्चन जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप मेरे इंडिविजुअल जो करंट अफेयर्स हैं उसमें भी मिल जाएगा गांधी पीस प्राइज़ फॉर टू थाउजेंड इस जो आपको मिला है गीता प्रेस गोरखपुर में जहाँ पर आपकी बुक्स पब्लिश होती हैं बुक्स छपती हैं गीता प्रेस की ये टू का अवार्ड है दिया इसको टू में है इसलिए ये चीज़ बहुत हाईलाइटेड ठीक है गांधी पीस प्राइस फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन गीता प्रेस गोरखपुर में मिला है गोरखपुर में जो गीता प्रेस है उसको मिला है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे थीम पूछी जा सकती है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन ठीक है फिफ्थ जून को मनाया जाता है कुछ रैंकिंग है इंपॉर्टेंट है जो एक रैंकिंग का क्वेश्चन भी आता होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स टू में इंडिया की रैंक है वन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है इंडिया की रैंक है वन ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है फोर्टी एथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो आपकी 132 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वन है तो ये सारी रैंकिंग आपको याद रखनी है उसके बाद बात करते हैं जो आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्ट 2023 की है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग है थर्टी एट है आउट ऑफ 139 कंट्री इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक जो अभी मैंने पीछे बताया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होती है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वन ट्वेंटी तो उसमें फर्स्ट रैंकिंग थी आपकी आईलैंड की इंपॉर्टेंट है याद रखना नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम अभी जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो जो कोलकाता की टीम थी ये आपकी जीती है फर्स्ट एवर हिस्टोरिकल वुमेंस कबड्डी लीग जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था ठीक है तो उसमें आपकी कोलकाता की टीम जो है वो कबड्डी फाइनल्स का मैच जीती है आई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो थी फाइनल टू की यूना की वो आपकी ऑस्ट्रेलिया ने जीती है ठीक है राउंड एज अ न्यू आई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस नेक्स्ट बात करते हैं आपका स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 की जो कि आपका चेन्नई तमिलनाडु में था और इसको इजिप्ट ने जीता था वर्ल्ड स्क्वैश जो आपका चैंपियनशिप था इसमें इजिप्ट ने मलेशिया को हरा कर जीता था ये हुआ कहाँ था चेन्नई तमिलनाडु में जो आपका कलिंगा यूनिवर्सिटी है इसने जो आपका जनजातीय खेल महोत्सव है इसको ऑर्गेनाइज़ किया था जो कि उड़ीसा में बेसिकली एंड हुआ था के आई आई कलिंगा आपका यूनिवर्सिटी जो है वो आपका उसने ऑर्गेनाइज़ किया था इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं जो आपका मैंने बताया वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो था आई का वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है जो आपकी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है नेक्स्ट आता है आपका साइक्लोन मोचा इसके बारे में मैंने बता दिया है ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द थ्री डी प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है ये आपका बेंगलुरु में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ है एटीन अगस्त को बाय अश्विनी वैष्णव के थ्रू जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री मिनिस्टर हैं रेलवे के ठीक है रेलवे के और कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो थ्री डी पोस्ट ऑफिस जो इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु में आपका कैम्ब्रिज लेआउट इन ईस्ट बेंगलुरु में अठारह अगस्त को स्टैब्लिश किया गया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टेटिस्टिक जो आपका टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का इंटरनेशनल प्राइज जो आपका है इसका आपका बेसिकली ये एक नोबल प्राइज जो आपका स्टेटिस्टिक का नोबल प्राइज कहा जाता है ये आपका श्री राधा कृष्णा राव को मिला है जो कि आपके एक अमेरिकन स्टेटिस्टिक है ठीक है कालादान ये भी इंपॉर्टेंट है ये आपका बेसिकली इस तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंडिया का मैप बना देती हूँ कालादान मल्टी मोड ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव मल्टी मोड का मतलब है कि आप इसमें सी मोड भी अपनाओगे इसमें आप रिवर मोड भी अपनाओगे और आपका रोड मोड में भी आप ट्रेवल करोगे तो जो कालादान रोड प्रोजेक्ट है ये आपका ईस्टर्न इंडिया सी पोर्ट ऑफ कोलकाता ठीक है जो आपका ईस्टर्न इंडिया का जो कोलकाता का सी पोर्ट है इसको आपका जो म्यामर का सिटवे आपका सी पोर्ट है इसको कनेक्ट करता है ठीक है तो बेसिकली ये आपका पलेटवा एक रिवर रूट है उसके थ्रू कनेक्ट करता है सबसे पहले हम सितवे पोर्ट पर जाएंगे म्यामर का जो हम थ्रू सी जाएंगे ठीक है थ्रू सी हम कोलकाता पोर्ट से हम जाएंगे सितवे पोर्ट जो कि आपका म्यांमर में है और फिर म्यांमर से फिर हम जाएंगे आपका पलेटवा के जो पलेटवा पोर्ट पर जाएंगे जो कि रिवर के थ्रू जाएंगे तो वो हम कौन सी रिवर क्रॉस करेंगे कालादान रिवर और उसके बाद हम यहाँ पे मिजोरम जो आप यहाँ पे देखते हो ना ने, नेक के थ्रू जाते हो जो आपका बॉटल नेक होता है उसके थ्रू हम जो ये नॉर्थ ईस्ट के जितनी भी आ, सिटीज़ uh, हैं उसको हम कवर करते हैं जितने भी स्टेट हैं तो हम अब की बार क्या करेंगे कि हम कहाँ से जाएंगे सेटवे पोर्ट पे जाएंगे सेटवे पोर्ट से हम पलेटवा पोर्ट पे जाएंगे और फिर हम थ्रू रोड मिजोरम पे पहुँचेंगे तो इन म्यामर इट विल देन लिंक सेटवे सी पोर्ट टू पलेटवा इन चीन स्टेट और वायादा कालादान रिवर पोर्ट रूट तो याद रखना एक सेकेंड तो याद रखना एंड देन फ्रॉम पलेटवा मिज़ोरम स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो मल्टी मोड कालादान नाम याद रखना कि कालादान रिवर से हम थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं ठीक है थीकियो? उसके बाद से हम रोड के थ्रू मिज़ोरम स्टेट में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो मिज़ोरम स्टेट है वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो ये हम बेसिकली तीन टाइप के आ, मोड ले रहे हैं सी मोड ले रहे हैं थ्रू सी थ्रू रिवर एंड देन थ्रू रोड जो आपका मछलीपट्टनम पोर्ट है वो आपका आंध्र प्रदेश में है और ये बेसिकली तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के लिए भी एज अ गेट काम करता है जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इसकी पोटेंशियल में काफ़ी हेल्प मिलती है तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो मछलीपट्टनम पोर्ट है वो कहाँ पर है वो आपका आंध्र प्रदेश में है ठीक है मछलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट है जो आपका आंध्र प्रदेश में है और ये आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया था गज उत्सव को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रुपदी मुर्मू हैं इन्होंने गज उत्सव को आपका इनोग्रेट किया था काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में ठीक है करंट अफेयर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 2023 जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं नाइन्थ अगस्त को इसकी थीम है इंडिजनियस यूथ एज अ एजेंट ऑफ चेंज द सेल्फ डिटर्मिनेशन थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा बट याद तो आपको करना ही है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल टू इतना कर लोगे अगर आपके एट क्वेश्चन है टेन क्वेश्चन है तो आप फाइव तक आराम से इस आपको इस पेपर से मतलब स्लाइड से मिल जाएंगे नेशनल हैंडलूम डे हम मनाते हैं 7th ऑफ अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट था 1905 का जो जो मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मेंशन होगा जो नेशनल हैंडलूम डे है इसकी थीम थी हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन ठीक है ये आपका सेवेंथ ऑफ अगस्त का है पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है इंडियन कॉपरेटिव कांग्रेस जो न्यू दिल्ली में है सेवनटीन इंडियन कोपरेटिव कांग्रेस आई 2023 इसकी थीम है अमृतकाल प्रोस्परिटी थ्रू कॉरपोरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया इसके बाद आता है याद रखना आई एक सेकेंड ICC सी इंडियन कॉपरेटिव कांग्रेस टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री जो न्यू डेली में है इसको इनोग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज जिसको हम जी मैक्स भी कहते हैं क्वेश्चन जी मैक्स के फॉर्म में आ सकता है जी एम मैक्स जापान इंडियन मेरी एक्सरसाइज 2023 का ये आपका विशाखापट्टनम में कंडक्ट हुआ है फाइव टू टेंथ ऑफ जुलाई का ठीक है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जो इक्कीस बाईस में हुआ था कर्नाटका इसमें टॉप की थी इनोवेटिव जो स्टेट में है उसमें हम कर्नाटका का नाम लेते हैं कर्नाटका हैज टॉप द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन मैन्युफैक्चरिंग सो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे का अवार्ड जो मिला है कर्नाटका को कुछ अवार्ड्स केरला को मिले हैं कुछ कर्नाटका को मिले हैं तो कन्फ्यूज़ मत होना केरला में आपका जो था वो आपका वो डिजिटल उसके लिए किया गया था जबकि कर्नाटका में क्या है इनोवेटिव स्टेट के लिए मिला हुआ है पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की जो एक फ़र्स्ट फैसिलिटी है टू तो प्रोड्यूस द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो कि विशाखापट्टनम में है इसको इन्होंने इनाग्रेट किया था नेक्स्ट आता है अब अगर हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो जनवरी से लेकर जो भी आपके अगस्त तक के जो भी डेट्स हैं उनको आप ध्यान रखोगे लाइक हिरोसिमा जो डेट है इसको हम लिटिल बॉय भी कहते हैं और ये आपका सिक्सथ अगस्त को मनाया जाता है जब बमबारी हुई थी और नागासाकी जो डे है वो आपका नाइन्थ अगस्त को मनाया जाता है जिसको हम मैन भी बोलते हैं पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड जो है ये लॉन्च किया था क्योंकि जो हमारा जो बेसिकली जो फार्मर होते हैं उनको खेती करने के लिए जो यूरिया होता है उसमें आपका सल्फर की कमी होती है तो पीएम मोदी ने लॉन्च किया था जिसमें सल्फ़र कोटेड यूरिया प्रोवाइड करेंगे जिसको हम यूरिया गोल्ड बोलते हैं राजस्थान के सिका डिस्ट्रिक्ट में ठीक है और ये विल एड्रेस द सल्फ़र डिफिशेंसी इन द सॉइल तो यूरिया गोल्ड है यूरिया गोल्ड में किस चीज़ की मतलब क्या था Uh, कौन सा कंटेंट था तो आप बोलोगे सल्फर कोटेड यूरिया था कोलकाता टीम इमरजजेस द विक्टोरियस इन दुबई वुमेन ये मैंने आपको बता दिया वुमेन कबड्डी फाइनल इंडिया का जो था वो जीता था दुबई में जो था वो आपका वुमेन्स टीम कौन सी वुमेन्स टीम दी हुई थी कोलकाता की वुमेन्स टीम जीती थी ठीक है ये पहले भी मैंने आपको बता दिया ये कंप्लीटेड है स्क्वैस वर्ल्ड कप में मैंने आपको बताया है कि जो इजिप्ट है वो जीता था और आपका जो सेकेंड रन मतलब आपका जो रनरअप था वो आपका मलेशिया में था और ये हुआ था तमिलनाडु में श्री जो आपके नरेंद्र मोदी हैं इनको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड मिला है 2023 का याद रखना लोक तिलक नेशनल अवार्ड जो मिला है वो आपका श्री नरेंद्र मोदी को मिला है ये आपका फर्स्ट अगस्त को बेसिकली मिला था इनको ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट प्रधानमंत्री जिनको मिला है इनको बाल गंगाधर तिलक की जो डेथ एनिवर्सरी है उस पर ये जो अवार्ड मिलता है लोकमान्य तिलक अवार्ड तो ये आपका फर्स्ट ऑफ अगस्त को दिया जाता है हर साल पीएम ने जो आपका इनोग्रेट किया था सेमी कॉन इंडिया 2023 गांधीनगर में जो गुजरात में है ठीक है तो याद रखना कि सेमी कॉन इंडिया टू को पी मोदी ने इनोग्रेट किया था जो कि गांधीनगर गुजरात में है तो ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं थोड़ा जल्दी में बताई हूँ बहुत डिस्क्रिप्टिव में नहीं बताई हूँ बट डियर स्टूडेंट ये आपका कोई यूपीएससी का आई का पेपर नहीं है जिसमें आपको थोड़ा थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा बिल्कुल टू द पॉइंट नाम वाला क्वेश्चन पूछेगा जितनी इन्फॉर्मेशन ट्विटर के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं यूट्यूब के सी कौन अपॉइंट हुए हैं कालादान क्या है आपका तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इससे ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो आप करंट अफेयर पे सारे टॉपिक जरूर कवर करके आओ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स वकेबलरी uh, अभी आपके पास समय है एग्जाम अपडेट अभी आ ही नहीं रही है तो आपके पास समय है तो अपना जी जान लगा दो देखो आप आई की सीट्स बहुत कम आई हैं 167 अराउंड आई की सीट्स आई हैं तो आई के लिए तो अभी बहुत मेहनत है फिलहाल अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत कर देते हो तो ये आपका बहुत एक, अच्छा एग्ज़ाम है आपको एक नई डायरेक्शन देगा नए आपके इसके आ, आपके ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें मे भी आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम कराने का मौका हो रहा है आपके पास समय है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया जिनको समय में मिल पाता है तो करंट अफेयर्स आपका जल्दी ही मैं आपके आईपीआर के भी टॉपिक कुछ लेकर आऊँगी कवर करूँगी तो मैं मेहनत कर रही हूँ मेरे से कुछ मिस्टेक्स होती हैं आप कमेंट सेक्शन में बताओ फील फ्री टू आस्क यू आर लर्नर आई एम ऑल्सो लर्नर तो अपनी गलतियों से इंसान सीखता है मिलकर मेहनत करते हैं जैसे पिछली साल जनरल साइंस में पिछली बार के पेपर में क्वेश्चन फँसा इस बार भी मैं गारंटी दे रही हूँ कि जो मेरा साइंस का मैराथन है एक या दो क्वेश्चन ही बाहर कराएंगे अदरवाइज पूरा ही मेरे मैराथन से पूछा हुआ क्वेश्चन होगा मेहनत करो जी जान लगा दो ऑल द बेस्ट थैंक यू